हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ शमशेर पीजीटी मैथ्स. बेटा, 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.9 चल रही है. इस एक्सरसाइज में हम फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक कर चुके हैं. अब फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में आपसे क्या दिया हुआ है? वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स. अब आप एक काम करेंगे, इस वाई एक्स को इधर ले जाएंगे, वाई अपॉन एक्स, और इधर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी. लॉग ऑफ ए अपॉन बी होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी. ये प्रॉपर्टी लगाई गई है. अब डिफरेंशिएट करेंगे आप. डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ तो यू अपॉन वी से डिनोमिनेटर का होल स्केयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरीवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरीवेटिव होता है वन. लॉग ऑफ एक्स का वन बाई एक्स माइनस, इसका लॉग के हिसाब से होगा वन अपॉन ए प्लस बी एक्स, और फंक्शन का हो जाएगा बी. अब एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, एक्स के जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा. यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स. इससे डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी एक्स और माइनस हो जाएगा बी एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा. आपके पास क्या हुआ, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स, और इधर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई. अब एक बार फिर से आप डेरिवेटिव कर देंगे. डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा वन, और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स. इधर यू अपॉन वी से, यू अपॉन वी से जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा बी. अब डीवाई अपॉन डी एक्स कैंसिल हो गया, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर. ए बी एक्स क्या हो गया, कैंसिल. अब आपके पास है एक्स इंटू सेकेंड डेरीवेटिव इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर. अब इसको मैं नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो गया एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट, फर्स्ट का यूज कर लिया, यही आपने प्रूव करना था. एंस प्रूव्ड. क्लियर है? एक आध क्वेश्चन बेटा थोड़े से विशेष ध्यान में रखिएगा, ठीक है. अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में. फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. सबसे पहले आप इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए. एलसीएम आ जाएगा रूट ऑफ एक्स, क्या हुआ, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. आप टू को आगे ला सकते हैं, टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ रूट एक्स. एक तो ये प्रॉपर्टी लगाई, लॉग ऑफ ए रेज टू पावर बी, बी लॉग ऑफ ए होता है. दूसरा ये प्रॉपर्टी लगाई गई कि लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ
बी, ये प्रॉपर्टी लगा देगी। अब टू को दोनों के साथ अलग अलग करेंगे तो टू टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस टू इंटू वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स इज टू, सी टू कैंसिल हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, टू एज ए कोफिशियंट है। लॉग वाले फंक्शन का होता है वन अपॉन फंक्शन, लॉग ऑफ यू बेसी वन, डेरिवेटिव फंक्शन हो जाएगा वन, माइनस लॉग ऑफ एक्स का वन बाई एक्स। अब आप यहां से एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स, इससे डिवाइड करेंगे तो टू एक्स, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो ये आपके पास कुल मिलाकर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद फिर डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा वन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा टू एक्स प्लस वन। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, माइनस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस वन से करेंगे तो टू एक्स प्लस वन, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको जब प्रूव करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या दे रखी है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू टू प्रूव कर रहे हैं। तो आपके पास एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और सेकेंड डेरिवेटिव कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई, आप इसके फैक्टर कर लें एक्स इंटू एक्स प्लस वन, तो होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का भी है, एक्स का भी है, क्लियर है, और प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना था, एक्स माइनस वन इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वन। यहाँ पर एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर से एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एक्स से एक एक्स भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर से एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास बचा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अब एलसीएम आपके पास आ जाएगा एक्स, और जब इनको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स, और अब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा टू, और यही आपके पास राइट हैंड साइड है एंस प्रूव्ड, क्लियर हो गया, ये था बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोलता है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस कोस एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन प्लस कोस एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस कोस एक्स। अब आप एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, वन प्लस कोस एक्स होता है टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे ही वन माइनस कोस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू,
वन प्लस कोस एक्स होता है टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन माइनस कोस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ऊपर से नीचे से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट टू कॉमन आ जाएगा, और रूट टू जब आप कॉमन लेंगे तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये हुआ कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ भी रूट टू कॉमन ले लीजिए, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देंगे, टेंजेंट इनवर्स, कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो वन प्लस टेंजेंट एक्स बाई टू, वन माइनस टेंजेंट एक्स बाई टू, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स बाई टू। क्लियर है, ऐसा किया गया है। अब टेंजेंट इनवर्स, ये टेंजेंट पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया गया है, ये आपके पास होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन वन माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, इनवर्स से कैंसिल हो गया, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, यहाँ तक तो फंक्शन ही चल रहा है। अब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई फोर का जीरो और एक्स बाई टू का वन बाई टू। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वन बाई टू का जीरो हो जाएगा बेटा आपके पास। ये था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना। एक्स इज इक्वल्स टू दे रखे है ए कोस टी, ए कोस टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी, आपके पास हो गया माइनस ए साइन टी। इसके बाद आपको इसी क्वेश्चन में दे रखा है वाई इज इक्वल्स टू बी साइन टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, बी एज ए कोएफिशिएंट है, साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस टी। अब आपने बताना डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ चुके, डी वाई अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर दें। डी वाई अपॉन डी टी कौन सा है, ध्यान से लिखें, बी कोस टी, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, माइनस ए साइन टी, ये आपके पास हो गया माइनस बी अपॉन ए कोट टी। डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान देना, अब डी वाई अपॉन डी एक्स इधर है और माइनस बी अपॉन ए कोट टी इधर है, इधर भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करने जा रहे हैं आप, और इधर भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो ये तो आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना, माइनस बी अपॉन ए एज ए कोफिशियंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट टी, टी है ना, इसलिए ध्यान देना डी बाई कोट टी था, टी है ना, तो डी एक्स जो डिनोमीटर में था उसको डिनोमीटर में ही रखे है, और डी टी से डिवाइड कर दिया, डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, थीटा है तो डी थीटा से डिवाइड, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पल तो कोट का डेरिवेटिव और फिर टी का डेरिवेटिव जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स आएगा, बट यूं आप गलती नहीं करोगे, जो भी वेरिएबल है डी एक्स डिनोमीटर में था, डिनोमीटर में है, डी टी से डिवाइड, डी टी से मल्टीप्लाई, माइनस बी अपॉन ए, इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा माइनस
कोसिकेंट स्क्वायर टी और डी टी अपॉन डी एक्स आपके पास अवेलेबल है, 1 अपॉन माइनस a sin t यूजिंग फर्स्ट। फर्स्ट का हमने यूज किया है ये डी एक्स अपॉन डी टी है तो उसका उल्टा है, ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाएगी प्लस और ये फिर माइनस है तो आपके पास हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर और कोसिकेंट रेज टू पावर 3t। क्लियर हो गया। अब आपने प्रूव क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव बताना था तो सेकंड डेरिवेटिव बेटा आपके पास याद जाएगा सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसिकेंट क्यूब टी। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में, सारे के सारे बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिएगा, आपके पास है एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस क्यूब थीटा, ए कोस क्यूब थीटा और दूसरी तरफ वाई इज इक्वल्स टू दे रखे आपको ए साइन क्यूब थीटा, ए साइन क्यूब थीटा। थीटा है इसलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इधर भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए एज ए कोफिशियंट है पहले पावर के हिसाब से 3 cos² थीटा और अब कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और थीटा का वन होता ही है। इधर वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ए एज ए कोफिशियंट है इसका हो जाएगा 3 sin² थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा और थीटा का फिर वन होता ही है। तो ये तो आपके पास हो गया माइनस 3a cos² थीटा इंटू साइन थीटा और ये आपके पास आ गया 3a sin² थीटा इंटू कोस थीटा। पहले हम बताएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या करेंगे आप डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दें डी एक्स अपॉन डी थीटा से। डी वाई अपॉन डी थीटा है 3a sin² थीटा कोस थीटा और ये आपके पास है माइनस 3a cos² थीटा साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट आया माइनस टेंजेंट थीटा। क्लियर है। अब आपको बताना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करो। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना किसका, माइनस टेंजेंट थीटा का। अब माइनस एज इट इज टेंजेंट थीटा है तो डी एक्स डिनोमिनेटर में है डी बाई डी थीटा से डिवाइड और डी थीटा से मल्टीप्लाई। अब आपके पास क्या रिजल्ट हो गया, माइनस टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 3a cos² थीटा इंटू साइन थीटा। बस बेटा यही आपके पास रिजल्ट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर है। ये था आपके पास सेकेंड पार्ट, तो 3a तो एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, सीकेंट रेज टू पावर 4 हो जाएगी इंटू में ये साइन थीटा बटे में लिखे रहने थे। ये इसका था सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, सिक्स्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट ध्यान से देखिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, आपके पास x इज इक्वल्स टू दे रखे है a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, a एज ए कोफिशियंट है कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, इसका u इंटू वी से फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया रिजल्ट आ गया a थीटा कोस थीटा। इसके बाद y को लेकर के चलते हैं, y इज इक्वल्स टू आपके पास देखे है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। अब आप इसमें भी डेरिवेटिव करेंगे,
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, ए एज ए कोफिशियंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव हुआ कोस थीटा, माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा वन। सिंप्लीफाई करेंगे ए इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया ए थीटा साइन थीटा। पहले आप बताएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दें डी एक्स अपॉन डी थीटा से, डी वाई अपॉन डी थीटा है ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा है ए थीटा कोस थीटा, ए से कैंसिल हो गया थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया टेंजेंट थीटा। अब आपने बताना सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसका मतलब क्या होता है कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना किसका टेंजेंट थीटा का। अब यहां पर ऑब्जर्व करो थीटा है तो डी वाई टेंजेंट थीटा, बिल्कुल सिंपल रास्ता बता रहा हूं आपको, डी एक्स डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में है डी थीटा से डिवाइड डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक क्लियर है, या फिर यूं कर लीजिए कि टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव और फिर थीटा का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी एक्स होगा, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंट स्क्वेयर थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स यहां से ले लेंगे फर्स्ट का यूज करते हुए वन अपॉन ए थीटा कोस थीटा, ए इंटू थीटा इंटू कोस थीटा यूजिंग फर्स्ट, फर्स्ट का यूज कर रहे हैं तो आपके पास हो जाएगा वन अपॉन ए सीकेंट क्यूब थीटा। ये था बेटा आपके पास है सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और ये थीटा हो रहा है, ध्यान दीजिए ये रहा थीटा, ठीक है, तो सीकेंट क्यूब थीटा इंटू दिस, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन बेटा इस तरीके से हैं। ओके थैंक यू।